सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F41 के बारे में। दोस्तों, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि सैमसंग गैलेक्सी F41 में एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि उन्होंने जब अपने फ़ोन को अपडेट किया है तो उनके फ़ोन में जो कैलकुलेटर होता है दोस्तों, वो वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि कैसे आप उस कैलकुलेटर को फिर से सही कर सकते हो, कैसे उसे फिर से अपने काम में ले सकते हो। तो दोस्तों, मेरे फ़ोन में ऐसा कोई भी इशू नहीं आया था कि मेरा कैलकुलेटर वर्क नहीं कर रहा हो। ये देखिए दोस्तों, मेरा कैलकुलेटर है जो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ये देखिए। बट दोस्तों, काफ़ी लोग हैं उनके फ़ोन में दिक्कत आ रही थी कि उनका जो कैलकुलेटर है वो वर्क नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने कैलकुलेटर को सही कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपके फ़ोन में कैलकुलेटर वर्क नहीं कर रहा है तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको गैलेक्सी स्टोर में जाना है। अगर आपने अपना फ़ोन अपडेट कर लिया है और आपका जो कैलकुलेटर है तो वो वर्क नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपको करना है गैलेक्सी स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है कैलकुलेटर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों आप सर्च करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कैलकुलेटर है ग्रीन कलर वाला, यही कैलकुलेटर होता है जो हमारे फ़ोन में पहले डाउनलोड किया हुआ आता है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये दोस्तों सैमसंग का कैलकुलेटर है, ये देखिए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, उस कैलकुलेटर को दोस्तों यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। अगर आपके फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा है तो आपको इंस्टॉल कर देना है और उसके बाद दोस्तों फिर से उसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, मेरा वर्क कर रहा है तो मैं नहीं कर रहा है, मेरे में अपडेट का आ रहा है तो मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। पर दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको उसको यहाँ से इंस्टॉल कर देना है और इंस्टॉल करने के बाद फिर से उसी जगह से तुरंत दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे दोस्तों आप उसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपका जो कैलकुलेटर है दोस्तों, वो फिर से अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा जैसे पहले करता था। और उसके बाद दोस्तों, जो भी उसमें नए अपडेट आए होंगे वो भी उसमें अपडेट होके आ जाएंगे। तो यही तरीका दोस्तों, जिससे आप अपने फ़ोन में अपने कैलकुलेटर को अच्छे से सही कर सकोगे, क्योंकि दोस्तों कैलकुलेटर का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है हमारे फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों, मैं कर रहा हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।